नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक और गुजराती रेसिपी, ट्रेडिशनल हेल्दी और टेस्टी हांडवा। जिसके लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ले रखे हैं यहाँ पे 4 से 5 तरह के आटे ले रखे हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी चावल का आटा, 1 कटोरी मैंने लिया है जो व्हाइट उड़द की दाल होती है छिलके बिना की उसका आटा, 1 कटोरी लिया है मैंने मूंग की दाल छिलके बिना की जो होती है उसका आटा, और साथ में मैंने लिया है 1 कटोरी सूजी। ये सभी आटे जो है मैंने कुरकुरे लिए हैं दोस्तों, और जो आटा मेकर मशीन होती है उसमें मैंने 3 नंबर की ब्लेड में पीस लिए हैं। अगर आपके पास मशीन नहीं है आटा मेकर, तो आप इनको सिर्फ आधे घंटे के लिए भिगा के रखें और फिर आप चटनी के जार में मिक्सी में क्रश कर लेंगे तो आपको सेम तरह का आटा मिल जाएगा। उसके सिवा मैंने यहाँ पर ले रखा है स्वाद अनुसार मिर्ची हरी कटी हुई, यहाँ पे हमने लिया है 3 से 4 इंच का अदरक कूटा हुआ, 15 से 20 कली लहसुन की कूटी हुई, धनिया पत्ता गोभी ली है 1 कप जितनी क्रश करके कद्दूकस करके, 1 बड़ी लौकी ली है मैंने वो भी कद्दूकस कर ली है, और साथ में मैंने यहाँ पर लिया है 1 गाजर वो भी मैंने कद्दूकस कर ली है। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो सारे आटे ले रखे हैं 4 से 5 तरह के, वो सब हम एक बर्तन में डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें लगभग 1 बड़ा कप जितना खट्टा दही। उसके बाद हम डालेंगे, हमने ये जो सारी सब्जियां कद्दूकस करके रखी हुई है उन सभी को हम इसमें डाल देंगे, और बाद में हम इन सभी चीजों को अच्छी तरह से थोड़ा पानी मिक्स करके मिला लेंगे। ये देखिए मिश्रण जो है बनके तैयार हो चुका है। इसमें अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसको एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह का न गाढ़ा न पतला ऐसा हमको मिश्रण इसका बना के रेडी करना है, और इसको हम रख देंगे 15 मिनट के लिए साइड में। मिश्रण को भीगने रखने के बाद हमने यहाँ पर रखा है थोड़ा ज्यादा मात्रा में तेल गरम होने। गरम होने के बाद उसमें हम सबसे पहले डालेंगे 1/2 चम्मच हींग का। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 बड़ी चम्मच भर के जीरा, 1.5 चम्मच जितनी राई, और 2 चम्मच फुल भर के इसमें डालेंगे हम सफेद तिल। जैसे ही राई जीरा और तिल तड़क जाते हैं तब हम इसमें डालेंगे लगभग 15 से 20 कड़ी पत्ते। लगभग 15-20 मिनट के बाद, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा ये जो आटा हमने भिगा के रखा था वो फूल चुका है। उस वक्त हम इसमें 1 पाउच डालेंगे इनो फ्रूट सॉल्ट का, और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रूट सॉल्ट को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं, केक का टीन लिया है, इसको मैंने ऑलरेडी ग्रीस करके रखा हुआ है तेल की मदद से। इसमें हम ये जो मिश्रण है वो आधा आधा भर लेंगे। ये देखिए हमारा जो हांडवा का मिश्रण था वो हमने केक की टीन में भर लिया है। उसके बाद हमने ये जो तड़का लगाना के रखा था वो सारा हमको इसके ऊपर धीरे धीरे बिखेर देना। ये देखिए सारा मिश्रण जो है हमने केक के टिन में भर दिया है। अब हम इसको, अगर आपके पास अवन है तो उसमें रख देंगे 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए बेक होने के लिए। अवन में हमने रख दिया है हमारा हांडवा बनाने के लिए दोस्तों, लेकिन अगर आपके पास अवन नहीं है तो दोस्तों उसका दूसरा तरीका मैं आपको बता दी हूँ। ये देखिए मैंने नॉनस्टिक तवा रखा है जिसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है, और उस पर हम ये जो मिश्रण है वो थोड़ा मोटा मोटा बिछा लेंगे। ये देखिए मैंने नॉनस्टिक तवे पे हांडवे का मिश्रण जो है गाढ़ा गाढ़ा बिछा दिया है, और इसके ऊपर भी हमने ये जो तड़का लगाया था वो अच्छे से डाल लेंगे। दोनों तरफ से हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे लगभग 5 से 7 मिनट के लिए। कुछ ही देर बाद हमारा दोनों तरह से जो बनाया है हमने हांडवा
वो बन चुका है, हम उसको चेक कर लेंगे कि पका है कि नहीं। ये देखिए बिल्कुल पक चुका है, मतलब ये स्टिक पर नहीं चिपका है। और ये जो था वो हमने नॉनस्टिक तवे पे बनाया है, इसको भी हम चेक करेंगे, ये भी बिल्कुल पक चुका है। नॉर्मली दोस्तों गुजरात में हांडवा बनाने के लिए स्पेशल बर्तन मिलता है, लेकिन जिसके भी पास हांडवा का बर्तन अवेलेबल नहीं है उसके लिए ये दोनों ही तरीके बेहद आसान और अच्छे हैं। बेहद हेल्दी मल्टीग्रेन और मल्टी वेजिटेबल बनने वाला ये हांडवा बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। शुक्रिया।